दोस्तों आज दोस्तों बदलाव की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बिफोर कोविड तरीके अलग थे काम करने के, हम सारा दिन ऑफलाइन ही काम करते थे, लेकिन ड्यूरिंग द कोविड और आफ्टर कोविड ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड। अगर आज बदलाव नहीं करोगे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करोगे, बहुत पीछे रह जाओगे। बोलते हैं ना, अगर जिंदगी में वहां जाना चाहते हो जहां आज तक नहीं गए, तो वो काम आपको करने पड़ेंगे जो आज तक नहीं किए। अगर वही काम करते रहे जहां पर आज हो और जो करते आ रहे हो, तो जहां पर हो वहीं पे रहोगे। सिंपल, सो सिंपल। तो क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा। एक बात सुनाता हूं। एक भाई साहब थे, दारू बहुत पीते थे। क्या पीते थे? तो एक दिन काफ़ी लड़ाई लड़ुई होगी, जॉब भी चली गई, वाइफ भी चली गई, बच्चे भी चले गए। घर पे आए तो चार पांच बोतलें पड़ी थी। पहली बोतल उठाते हैं, खाली होती है, उठा के दीवार पे मारते हैं, बोलते तेरे करके मेरे वाइफ मुझे छोड़ के चले गए। दूसरी बोतल उठा के इधर मारते हैं, बोलते तेरे करके मेरी जॉब भी चली गई। तीसरी बोतल उठा के छत पे मारते हैं, तेरे करके मैं घर से बेघर हो गया। चौथी बोतल भरी होती है, बोलते तू साइड पे हो जा थोड़ी सी, तेरे से बाद में बात करते हैं। तो ऐसे नहीं करना। बदलाव, क्या हम बदलेंगे? बदलने के लिए तैयार हैं? कौन कौन बदलने के लिए तैयार है? करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले क्या करना है? जूम पे काम करना शुरू कीजिए। कैसे जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फेसबुक पे आके बढ़िया सा प्रोफाइल बनाइए, नीट एंड क्लीन, अच्छी सी फोटोग्राफ डालिए। कई बार मैंने देखा है, घर पे अगर लड़ाई हो जाए ना, तो स्टेटस अपना व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, स्टोरी पे डाल देते हैं, सारी दुनिया को पता चल जाता है भी लड़ाई हुई आज घर पे। ऐसे नहीं करना। आप बिजनेस के अंदर हो तो बिजनेस रिलेटेड पॉजिटिव चीजें डालनी वहां पर। रिलीजन के बारे में नहीं डालनी, किसी को भला बुरा नहीं बोलना, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कुछ डालना, अच्छी अच्छी पॉजिटिव मोटिवेशन वाली चीजें डालनी। हमने डेली पोस्टिंग करो, कोई अच्छी सी पोस्ट करो, इंस्टा पे आओ, वहां पे अच्छी अच्छी फोटो डालो, आप फेसबुक पे लाइव आया करो। ये सीखो नहीं आता तो जूम के ऊपर कैसे प्लान दिखाते हैं वो सीखो। फिर छोटी छोटी एडिटिंग करना सीखो। बहुत सारी मोबाइल ऐप्स हैं जो फ्री हैं, एंड्रॉयड पे स्पेशली फ्री है, पिक्सआर्ट होगी, कैनवास होगी, वो यूज करना शुरू करो। आप छोटी छोटी वीडियो कैसे एडिट करते हैं, अपनी रील्स बनाओ छोटी छोटी डेमो करते हुआ का, किसी अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना लो। अभी पेन ऑयल लॉन्च हुआ मेरा, बहुत ही बढ़िया पेन ऑयल है, उसके बेनिफिट क्या, उसकी रील बनाओ और अपने स्टेटस पे लगाओ, स्टोरी पे लगाओ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ लोगों की, उनको भेजो। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, घुटने तो पक्का दुखते होंगे, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, उनको भेजना शुरू करो आप। तो डिजिटली दोस्तों काम करना शुरू कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप डिजिटली काम करना शुरू कर दोगे साथ साथ फिजिकल के, तो दो तो आपकी ग्रोथ ज्यादा फास्ट हो जाएगी। एक होता फिजिकल काम करना, एक होता डिजिटल काम करना। हमने दोनों करने, मतलब फिजिकल भी करना डिजिटल भी करना, मतलब फिजिटल फिजिकल भी और डिजिटल भी, दोनों ही काम करने हमने। जो ये ऑरा आज बना है ये डिजिटल ही नहीं बन सकता, इसके लिए हमें मिलना पड़ता है। जो इवेंट्स करने होते हैं वो ऑफलाइन ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो ऑनलाइन फीलिंग नहीं आती। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है, जो किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी है, जो कोई स्किल सिखानी है, एटलीस्ट वो आप कर सकते हो। रोज़ रात को मीटिंग होती है, शाम को मीटिंग होती है, कंपनी के यूट्यूब चैनल है, सब कुछ भरा पड़ा है। डिजिटली काम करना शुरू करो। अगर आप दोस्तों ये काम करोगे जो आज मैंने आपको सिखाया, तो बिलीव मी 100% मैं श्योर हूं दोस्तों, आने वाले एक साल के अंदर अंदर, ज्यादा नहीं मैं बोलता, 1,00,000 रुपया महीना तो आप आराम से अर्न कर ही सकते हो। करना चाहते हो? अब एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। जो भी आज मैंने आपको सिखाया, आपने सीख लिया सब कुछ? एक बार क्या होता है, एक भाई साहब होते हैं, उनके गांव में एक महात्मा जी रहते हैं। वो महात्मा जी बड़े ज्ञानी ज्ञान होते हैं, बड़ी उनकी पहुंच होती है। तो वो भाई साहब बोलते हैं, महात्मा जी का, गुरु जी का जो इम्तिहान लूंगा, वो एक चिड़िया का बच्चा हाथ में पकड़ते हैं, वो ले जाते हैं। वो बोलते हैं मैं गुरु जी से पूछूंगा भी ये जिंदा है या मरा हुआ है। अगर गुरु जी ने बोला जिंदा है तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा पीछे,
अगर गुरुजी ने बोला मरा हुआ तो मैं इसको उड़ा दूंगा, तो गुरुजी तो फिर गुरुजी होते हैं। वो जाता है वहां पर गुरुजी के पास, सत्संग चल रहा होता है, तो गुरुजी से बोलता है, अब गुरुजी एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, अगर आप उसका जवाब दे दो तो गुरुजी ध्यान में बैठे होते हैं, बोलते हुए पूछो बेटा। तो बोलता है मेरे हाथ में एक चिड़िया का बच्चा है, अब ये बता दो वो जिंदा है या मरा हुआ है। तो गुरुजी ध्यान लगाते हैं, गुरुजी देख लेते हैं भी क्या स्कीम चल रही है इसके दिमाग में। तो गुरुजी क्या जवाब देते हैं, बेटा ये जो चिड़िया का बच्चा है तेरे हाथ में, इसकी जिंदगी तेरे हाथ में है, चाहे तू इसको मार दे चाहे तू इसको उड़ा दे। सेम दोस्तों, आपके सपने पूरा करना आपके हाथ में है, चाहे पूरा करके रोल मॉडल बन जाओ दुनिया के अंदर, चाहे अपने सपनों को मार दो। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर मैं कर सकता हूं इतने लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। क्या आप करना चाहते हो?